हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास दसवीं की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या दूसरा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके दर्शाइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसको हम लोग प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भागा देंगे पहले। अगर शेषफल जीरो आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आया शेषफल तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हल प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय बहुपद ये है। तो प्रथम बहुपद से भागा देना द्वितीय बहुपद में। तो प्रथम बहुपद लिखते हैं हम लोग, अब द्वितीय बहुपद में भागा देंगे। 2t का पावर 4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। चलिए भागा देते हैं। यहाँ है टी का पावर 2 है, यहाँ 2t का पावर 4 है। चलिए भागा दे रहा है, इधर 2t का पावर 4 है और यहाँ पे है t का पावर 2। अगर काटें तो 2 दूना 4t हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t का पावर 2। अगर 2t का पावर 2 आ रहा है, अगर गुना करें इसे 2t का पावर 2 से, तो हमारे पास 2t का पावर 4 आ जाएगा। 2t का पावर 4 माइनस प्लस माइनस होता है, तो स्क्वायर वाला के पास सामने लिखेंगे 2 6t का पावर 2 हो जाएगा। अब ऐसे चिन्ह को चेंज करके काटते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे। ये हमारा कट गया। यहाँ पे बचा 3t का पावर 3। यहाँ देखिए, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, लेकिन ज्यादा 6 है प्लस में, तो प्लस देंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4t का पावर 2 माइनस 9t बचा माइनस 12। अब देखिएगा, यहाँ t का पावर 2 है, यहाँ हमको चाहिए 3t का पावर 3। तो हम कितना से भागा दें, कितना से गुना करें कि t का पावर 2 में हम लोग कितना से गुना करेंगे 3t का पावर 3 आएगा। तो चलिए इधर आप में देखते हैं, 3t का पावर 3 है हमको t का पावर 2 से। तो देखिए, तो हमारा 3 रह जाएगा, यहाँ 2 को 3 में से 2 गोटी घटाएं, क्या गोटी बचेगा, 1 गोटी बचेगा। यानी कि अगर हम 3t से गुना करें तो 3t का पावर 3 आ जाएगा। तो t का पावर 2 में 3t से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 3t का पावर 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 3t 9t हो जाएगा। अब देखिए, चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। ये हमारा कट गया। ये बचा 4t का पावर 2, ये भी कट गया, प्लस माइनस माइनस बच गया 12। अब देखिएगा, यहाँ t का पावर 2 है, यहाँ 4t का पावर हमको 2 चाहिए। चलिए इधर देखते हैं, 4t का पावर 2 t, तो t से t कट गया, क्या बचा, 4। तो अगर हम प्लस 4 से गुना करें टी स्क्वायर में तो 4t का स्क्वायर आ जाता है, यानी पावर 2 माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, शेषफल का आया 0। अगर शेषफल 0 आएगा तो लिखेंगे कि हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 आया है तो क्या लिखेंगे कि हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर हुआ। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके आगे दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं।
देखिएगा, दूसरा है एक्स का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। दूसरा बहुपद है 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में हम लोग भागा देते हैं हल। प्रथम बहुपद पहले लिखेंगे x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 से भागा देंगे 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। चलिए इसमें भागा दे रहे हैं, यहाँ हमारे पास x का पावर 2 है, यहाँ 3x का पावर 4 है। चलिए इधर देखते हैं 3x का पावर 4 भागा देना है x का पावर 2 से, तो 2 × 4 यहाँ 3 बचा हमारे पास, 3 x है, x यहाँ कितना हम कटा 2 है, यानी 3x का पावर अगर 2 रहेगा तो हमारे पास 3x का पावर 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर में हम लोग 3x का पावर 2 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 3x का पावर 4 आ जाता है। तो 3x का पावर 4 आ गया, अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो अब यहाँ गुना करेंगे 3 में 3 से 3 तिहाई 9, यहाँ एक गो एक्स है, यहाँ दो गो, तो कै गो एक्स हो जाएगा 3 गो, तो प्लस 3 तिहाई 9 एक्स, एक गो एक्स और दो गो, तो कै गो हो जाएगा एक्स का पावर 3, प्लस है प्लस देंगे, एक में 3x का पावर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x का पावर 2 ही रहेगा। अब हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस कट गया, ऊपर देखिए प्लस में 5x का पावर 3 है, यहाँ नीचे माइनस में है 9x का पावर 3, लेकिन कटने वाला नहीं है, यहाँ घटाएंगे घट जाएगा, 9 को में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x का पावर 3, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे 7 × 3 = 10x का पावर 2 प्लस 2x प्लस क्या हुआ 2। अब देखिए इधर हमारे पास x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ हमको चाहिए 4x का पावर 3, वो भी माइनस में, तो 4x का पावर 3 हमको भागा देना है x का पावर 2 से। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, कितना कम है एगो x कम है और ये 4 भी कम है, यानी 4x हमको कम है यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस में है तो माइनस में ही देंगे, कितना कम है 4x। अगर x का पावर 2 से हम लोग 4x से गुना करें तो माइनस में 4x का पावर 3 आ जा रहा है, तो आ जाएगा माइनस 4x का पावर 3, यहाँ देखिएगा प्लस में है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 चौका कितना होगा 12x, और x क्या होगा x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, एक में हम 4x से गुना करें तो 4x आएगा। अब चलिए हम लोग चिन्ह को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ 4x का पावर 3 और 4x का पावर 3 प्लस माइनस में है कट गया, यहाँ देखिएगा ज्यादा 12 है वो भी प्लस में है, तो 12 को में से 10 को घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, x का पावर 2 बचेगा, यहाँ देखिएगा नीचे प्लस ऊपर भी प्लस, दोनों प्लस देख के जुट जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 बच रहा है, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे x का पावर 2 से भागा देना है 2x का पावर 2 में, 2x का पावर 2 से भागा देना है x का पावर 2 से, यहाँ देखिए x का पावर 2 x का पावर 2 कट गया, क्या बचा 2, यानी कि हम x का पावर 2 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2x का पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2, तो x का पावर 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x का पावर 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस देंगे, 3 × 6x आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, एक में 2 से गुना करें तो 2 आ जाएगा,
अब हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा? जीरो। तो चलिए हम आप लोग को बताए हैं कि अगर अंत में शेष फल अगर जीरो आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए शेष फल जीरो आया है तो लिखेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यही हमारा क्या हुआ आंसर। चलिए हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, दूसरा का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ तीसरा, उसको भी अभी हम लोग इस वीडियो के इसी वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा, तीसरा नंबर में है x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा प्रथम बहुपद है। अब द्वितीय बहुपद दिया हुआ है x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भागा देना है,